नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का संकल्प सत्याग्रह समाप्त। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम समाप्त हो गया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और अन्य नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह समय जागने और एकजुट होकर उस भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक सरकार का मुकाबला करने का है, जो अपने खिलाफ उठ रही हर उस आवाज को खामोश करने की कोशिश कर रही है। पीएसयू बेचे जा रहे हैं, वे राहुल गांधी की संपत्ति नहीं है बल्कि देश की संपत्ति है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि देश के सभी संसाधनों को एक व्यक्ति को बेच दिया जा रहा है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर है, लेकिन सरकार हर आवाज को दबाने की कोशिश कर है। उन्होंने सरकार को चुनौती दी है कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वो नहीं झुकेंगी। उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी का बचाव किया और कहा कि जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सद्भाव एकता की बात कर रहा था, वो किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकता जो देश हित में नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने कहा कि यह समय जागने और एकजुट होकर उस भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक सरकार का मुकाबला करने का है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ने किया सत्याग्रह। कहा राहुल गांधी की आवाज को दबाने की हो रही कोशिश, अडानी पर सवाल पूछने की मिली सजा। यहां आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में पाई बाग स्थित गांधी पार्क में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने दोगली नीति के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान ने कहा कि सूरत कोर्ट में मानहानि के दावे में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट के आदेश में यह भी था कि इस फैसले पर 1 महीने तक अमल नहीं होगा। इसके बावजूद जल्दबाजी में 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। उसके विरोध में पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। केंद्र सरकार की तानाशाही के चलते लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्याग्रह किया जा रहा है। मेयर अभिजीत कुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने 7 फरवरी को जो सभा में भाषण दिया था, उन्हें उसी बात की सजा मिल रही है। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना पूछा था कि अडानी और सरकार में क्या रिश्ता है। इस मामले पर उन्होंने 3-4 सवाल पूछे थे। उन्होंने अडानी को लेकर पूछा था कि आप जहां भी जाते हैं वहां से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अडानी श्रीलंका गए तो उन्हें पोर्ट का ठेका मिल गया। SBI से अडानी को लोन मिलने और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भी उन्होंने सरकार से सवाल दागा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बस इसी बात की सजा दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर काले कपड़े पहनकर संसद में विरोध करेंगे कांग्रेस सांसद, विपक्षी दलों से भी किया आग्रह। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता दल बीजेपी पर हमलावर है। रविवार को राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में सत्याग्रह करके विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं आज संसद में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचेंगे। इसी क्रम में कांग्रेस ने विपक्ष के अन्य दलों को भी काले कपड़े या काले रंग की पट्टी पहनकर संसद आने का आग्रह किया है। नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें सोमवार की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं यूथ कांग्रेस भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। सभा के बाद संसद घेराव का भी कार्यक्रम है। वहीं रविवार को केंद्र सरकार के विरोध में जंतर मंतर पर रोड शो, मशाल जुलूस निकालने की कोशिश करने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का अपमान करने का आरोप लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और सवाल किया कि जब नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़े लोगों की आलोचना की जाती है तो सत्ताधारी पार्टी को दर्द क्यों होता है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गांधी परिवार पर हमले किए और उनके कश्मीरी पंडित वंश का मान किया। वहीं प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को शहीद का बेटा कहते हुए बीजेपी पर हर दिन उनका अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ साथ बीजेपी ने गांधी नेहरू परिवार को भी नहीं बख्शा है।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की बर्खास्तगी को अपनी बड़ी ताकत बनाएगी कांग्रेस पार्टी, जल्द होगा रणनीति का ऐलान। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा से बर्खास्तगी को कांग्रेस पार्टी अपनी बड़ी ताकत बनाएगी। पूरे देश में इसके लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे चुनावी राज्यों में चुनावों से जोड़ते हुए अभियान चलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में जनता के मुद्दों से जुड़े विषयों के साथ में जनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि इससे जमीन स्तर पर उसका लोगों से जुड़ाव होगा और उसे इसका लाभ भी मिलेगा। रविवार को कांग्रेस पार्टी ने राजधानी दिल्ली में संकल्प सत्याग्रह के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत भी कर दी है। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न मिलने पर पार्टी ने अपना विरोध जताया और इसे अपने प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला बताया। राजघाट के करीब अन्य स्थल पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और इसे केंद्र सरकार की कायराना हरकत बताया। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उसका जनता से संपर्क मजबूत किया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क अभियान शुरू किए जाएंगे। कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी आगामी चुनावों में विशेष संभावनाएं देख रही है। इन राज्यों में अभियान का सबसे आक्रामक तेवर भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उनमें विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के मुख्यमंत्रियों के हाथों में होगा, जबकि अन्य राज्यों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से विरोध किया जाएगा। पार्टी के केंद्र नेताओं को भी प्रदर्शनों में अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। इनमें प्रियंका गांधी को मुख्य भूमिका मिल सकती है। स्वयं राहुल गांधी पूरे देश में भ्रमण कर अभियान को धार देंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अभियान में केंद्र में अदाणी विवाद को सबसे ज्यादा प्रमुखता मिल सकती है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा जेपीसी गठित न किए जाने को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ उन मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा जिनसे जनता परेशान है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी और पुरानी पेंशन योजना शामिल है। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने कहा कि संकल्प सत्याग्रह के साथ में उनके विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। आज देश भर में सभी राज्यों की राजधानी में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर जनता को इन मुद्दों से परिचित कराया गया है। इसी सप्ताह पार्टी कार्यक्रमों की घोषणा करेगी जिसके अंतर्गत इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। इंदौर में विधायक जीतू पटवारी ने दिखाई ताकत। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी के समर्थन में इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर रविवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री व राव विधायक जीतू पटवारी भी धरने में शामिल हुए। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में मोदी सरकार के फैसले से नाराज चल रही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंदौर में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की अगुवाई में नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संकल्प सत्याग्रह किया। उसी दौरान कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने समझा बुझाकर रोड से उठाकर मंच पर बिठा दिया। इस दौरान नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता लेने से मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि तानाशाही क्या होती है, यह सुना था। राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करना तानाशाही की शुरुआत है। मुझे भी विधानसभा से निलंबित कर रखा है। अभी विक्रांत भूरिया के घर पर जाकर सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने उनकी गिरफ्तारी की है। आमजन की भावनाओं का दमन किया जा रहा है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि हम राजीव गांधी जी की प्रतिमा के नीचे उनकी शहादत को नमन करते हुए राहुल गांधी जी के साथ में जो किया गया है उसका प्रतिकार करते हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये किसने खाया और क्यों खाया यही नहीं बताया। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के आए तो क्या ये नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे तो सदन से बाहर हो जाएंगे। जीतू पटवारी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा और अमित शाह ने प्रदेश में ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों को कर्जदार क्यों बना दिया, प्रदेश में बेरोजगारी क्यों है, जिन आदिवासियों की वे बात करते थे उनके साथ सबसे ज्यादा बलात्कार अत्याचार हुए हैं। अमित शाह ये नहीं बता पाए कि जब प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई, विधायक खरीदे बेचे गए, तो वो काला धन कहां से आया। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ ने 1.5 साल की सरकार में प्रदेश के विकास के लिए जो प्लान बनाए थे वो क्यों हटा दिए गए, क्या गलती थी किसानों की। अब जब चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब देगी। चुनाव जनता और भाजपा के बीच है, कांग्रेस तो एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि 160 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी की सरकार 100% बनेगी। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस भाव से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जीतू पटवारी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में 160 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।
अगली बड़ी खबर, नागपुर में भी भारी बारिश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह आंदोलन। समर्थकों ने लगाए नारे, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बीच कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन जारी रखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बारिश में भीगते हुए सत्याग्रह आंदोलन में बैठ गए। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी थी, इस बीच जमकर बारिश हुई और बारिश में भी धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, कहा कि राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं 2019 के मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता खारिज होने के बाद सभी विपक्षी दलों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को समर्थन दिया है। इसके बाद कांग्रेस की ओर से देशव्यापी विरोध की घोषणा की गई। अगर हाईकोर्ट की ओर से सजा को खारिज नहीं किया जाता तो राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने की भी संभावनाओं पर विराम लग जाएगा। उनकी लोकसभा सीट वायनाड में भी रिक्ति भरने के लिए उपचुनाव कराना होगा। इन सबके बीच देश की राजनीति में गर्माहट आ गई है और कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हो गई है। अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी को घेरकर राहुल गांधी ने सेट कर दिया 2024 का एजेंडा। सांसद ही गई, अब सड़क पर बोलेंगे हल्ला। ये आपको बता दें कि संसद से निलंबित होने के बाद राहुल गांधी शनिवार को पहली बार मीडिया के सामने आए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने अपने तेवरों से साफ जाहिर कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाले। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी राहुल गांधी ने एजेंडा सेट कर दिया है। राहुल गांधी की बातों से स्पष्ट है कि वो अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेरते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अपने ऊपर हुई इस कार्यवाही से पैदा हुए माहौल का फायदा कैसे उठाएंगे। जैसा कि भाजपा भी अब अनुमान जाहिर कर चुकी है कि पहले तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव और फिर बाकी के राज्यों के चुनावों में राहुल गांधी इसे एक इमोशनल दांव के रूप में आजमा सकते हैं। इसके अलावा वो आगामी लोकसभा चुनावों में भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस माहौल से फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा राहुल गांधी सड़क पर उतरने का भी विकल्प चुन सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सुर्खियों में रही थी। ऐसे में अब जबकि राहुल गांधी की सांसदी भी खत्म हो चुकी है तो वो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज भी शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं ये पूछता रहूंगा कि मोदी जी का अडानी के साथ में क्या रिश्ता है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा अदालत के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रही कांग्रेस पार्टी, ये उसके अहंकार का प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और आरोप लगाया कि वो इसीलिए राहुल गांधी पर अदालत के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रही है ताकि देश के पूरे पिछड़े समुदाय के खिलाफ उनकी टिप्पणी को सही ठहराया जा सके। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के आंदोलन को महात्मा गांधी का अपमान करार देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सामाजिक मुद्दों के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था जबकि कांग्रेस पार्टी निजी कारणों से तथाकथित सत्याग्रह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और अदालत के फैसले के परिणाम स्वरूप लोकसभा सांसद के रूप में उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के बाद कांग्रेस का आंदोलन उसके अहंकार का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का सच्चाई के लिए लड़ने से कोई भी लेना देना नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद दोषी ठहराया और लोकसभा सांसद के रूप में उन्हें अयोग्य ठहराया जाना संबंधित कानून के तहत स्वतः प्रणाम है। भाजपा नेता ने पूछा कि फिर सत्याग्रह किस बात के लिए है। उन्होंने कांग्रेस से स्पष्टीकरण देने को कहा कि जिस तरीके से आपने देश के पूरे पिछड़े समुदाय का अपमान किया, क्या उसे सही ठहराने के लिए है या फिर उस अदालत के खिलाफ जिसने आपको सजा सुनाई है या फिर उस प्रावधान के खिलाफ है जिसके तहत आपको अयोग्य ठहराया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला सकती है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के बयानों के बाद लग रही अटकलें। ये आपको बता दें कि आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता छिनने का करीब एक दर्जन से अधिक पार्टियों ने पुरजोर विरोध किया है। इनमें सबसे मुखर आवाज आम आदमी पार्टी की रही। खुद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर हुए फैसले के बाद करीब 3 घंटे में 3 बार प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी के बचाव में पीएम मोदी को भला
बुरा कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले भी कांग्रेस नेता का समर्थन किया था, जब उन्हें सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के अन्य नेता और प्रवक्ता भी काफी ऊर्जा के साथ में राहुल गांधी का बचाव करते दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नजदीक आने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पूछा जाने लगा है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर दोनों पार्टियां हाथ मिला सकती हैं? आपका क्या मानना है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले एकजुट हो जाएंगी या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, चुनाव से पहले ही योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में जुटी कांग्रेस पार्टी। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और हर महीने 1500 रुपए देने का किया वादा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश की जनता के लिए लाडली बहन योजना लेकर आई थी, अब कांग्रेस पार्टी ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए लाडली बहना बिटिया योजना लाने का ऐलान किया है। इस योजना के लिए पात्र हितग्राही महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर व्हाट्सएप और ईमेल आईडी जारी किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। यही कारण है कि प्रदेश में बीजेपी द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें हर एक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की बात कही गई है। उसी कड़ी में अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भी ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले समय में उनकी कांग्रेस सरकार द्वारा लाडली बहना बिटिया योजना लागू करेगी। इसके अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दीर्घकालिक योजना होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश में लाडली बहना बिटिया योजना को लागू करने का ड्राफ्ट कांग्रेस सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके महिला सशक्तिकरण के लिए लागू कराया जाएगा। उन्होंने कहा बीजेपी की शिवराज सरकार की चुनावी योजना लाडली बहना योजना प्रदेश की महिलाओं को धोखा देने की योजना है। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना से महिला सशक्तिकरण की संभावना शून्य है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ विधानसभा चुनाव में वोट हड़पने का है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में ऐलान कर दिया है कि वो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देगी। अगली बड़ी खबर, सर्वे में एक और चुनाव हार रही बीजेपी, चौंकाने वाले आए नतीजे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार अपने कार्यों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आने वाले महीनों में माहौल उसके पक्ष में नजर आएगा। चुनाव से करीब 7 महीने पहले एबीपी न्यूज ने राज्य की जनता का मूड समझने की कोशिश की। एबीपी न्यूज के लिए मेट्राइज ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया। आपको बता दें कि वोट शेयर की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार अभी चुनाव होते हैं तो 44% वोट शेयर के साथ में नंबर एक पर होगी, तो वहीं बीजेपी 43% वोट शेयर लेकर दूसरे नंबर पर होगी। इसके अलावा यदि सीटों की बात की जाए तो यदि आज छत्तीसगढ़ में चुनाव किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 90 में से 47 से 52 सीटें जीतेगी और बीजेपी 34 से 39 सीटें जीत सकती है। इसका अनुमान यह है कि इस बार छत्तीसगढ़ में यदि अभी चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपका क्या मानना है, इस बार छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।